गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्ते। अब मैंने ट्रायंगल बना लिया PQR, पी क्यू आर। ये ट्रायंगल है PQR और S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR। ठीक, तो साइड्स है मेरे पास ये PR और QR, इस पर दो पॉइंट्स हैं S और T। तो S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR, मतलब PR पर तो पॉइंट है कोई S और QR पर पॉइंट है T, such that angle P is equal to angle RTS, angle P, ये वाला angle is equal to, ये T है, R से join कर दीजिए, is equal to angle RTS, ठीक है? देखिए, given angle P is equal to angle RTS, to prove triangle RPQ is similar to triangle RTS, triangle RPQ is similar to triangle RTS, triangle RPQ, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, ये दे रखा है, मतलब ये मेरे को प्रूव करना है। किस तरीके से करेंगे? दो एंगल तो इक्वल दे रखे हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो अब किस तरीके से इसको करेंगे? एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, बड़े वाला ट्रायंगल और ये वाला। बताइए कोई तरीका है? सर लेकिन हमारा जो टी पॉइंट है वो तो क्यूआर पे होना चाहिए ना। एस इज ऑन पीआर, वो बिल्कुल ठीक है, एंड टी इज ऑन क्यूआर। ओके, मैंने गलत बनाया था फिगर, सही कह रहे हो। एक मिनट रुक जाइए बेटा, तो इसको फिगर को फिगर दूसरी बनाओ, मैंने गलत बनाया है। क्या बोल रहे हो? किसी का माइक ऑन है। यस सर, किसी का माइक ऑन है। बेटा माइक ऑफ करवा लेना। देखिए मैंने ना ये फिगर गलत बनाई थी, इसमें जरा देखिएगा, ट्रायंगल PQR तो ऐसे ही बनाना है, ट्रायंगल PQR, पर इन्होंने बोला S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR, तो S तो है PR पर, PR पर तो एक पॉइंट ले लीजिए S, और QR पर पॉइंट है T, QR पर, यहां पर पॉइंट है T, ठीक है। अब इसको इससे जॉइन कर दो और ये दे रखा है कि ये वाला एंगल जो है एंगल B इज इक्वल टू एंगल RTS, बस अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अब तो हो ही जाएगा क्योंकि बस दो एंगल एक बार आना है, बाकी का काम अपने आप हो जाता है। तो हम कहेंगे इंट्रा एंगल RPQ, इंट्रा एंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, देखिएगा कि ये एंगल RPQ is equal to angle RTS, ये given है, जो P वाला एंगल है वो एंगल RTS के इक्वल given है, P वाला तो एक ही एंगल है, तो इसको मैं बोल दूंगा एंगल RPQ, RPQ is equal to angle RTS, एक तो ये हो गया इक्वल। दूसरा हम बोलेंगे कि एंगल PRQ, ये वाला जो एंगल है ये एंगल तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन पड़ रहा है ना, बताइए। यस सर।
है ना, तो ये हो गया एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आर टी। रीजन में लिखेंगे हम कॉमन एंगल, ठीक है, दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो कौन कौन से एंगल इक्वल है, ये पी और ये आर, ठीक है, तो पहले आर बाद में पी लिख दो, इसी तरह से ये वाला टी और आर ये इक्वल है, तो पहले आर बाद में टी लिख दो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि मुझे आर पी क्यू और आर टी एस सिमिलर प्रूव करना है, तो हम क्या कहेंगे भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। और आप देख लीजिए कि हमारा सीक्वेंस तो कहीं गलत नहीं हुआ, आप देखो कि मेरा एंगल, सर नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हमारा इधर एंगल आर और इधर एंगल आर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो फर्स्ट पोजीशन पर मैंने आर लिया तो इधर भी फर्स्ट पोजीशन पर आर रखा, फिर मेरा एंगल पी और एंगल टी ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो सेकंड पोजीशन पर एंगल पी है तो सेकंड पोजीशन पर एंगल टी है, उसके बाद जो अल्फाबेट बचता है यहाँ पर आर पी क्यू में क्या बचा क्यू, तो क्यू बाद में लिख दिया, आर टी एस में क्या बचा एस, तो एस को बाद में लिख दिया, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर। सभी को क्लियर है, लक्ष्य है? यस सर। यस सर यस सर यस सर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में तो फिगर दे रखी है, फिगर 6.37, इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी शो दैट ट्राइंगल ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, तो कॉन्ग्रुएंसी दे रखी है, तो पहले फिगर बना लेता हूँ, फिगर 6.37। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये क्वेश्चंस तो हो नहीं गए थे, पता नहीं मैंने कराए थे, शायद होमवर्क में दिए थे आप लोगों ने। हाँ जी सर, आपने होमवर्क दिया था सर, क्वेश्चन नंबर 8 तक शायद। हाँ मैंने सर आपको भेजा था। हाँ हाँ वो तो मैं समझ गया, बताइए बाकी अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो इसमें 6, 7, 8 में तो मैं कराऊं, नहीं तो अगले पर पढ़ जाता हूँ। अगर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सभी बच्चे कर चुके हैं तो फिर मैं 9th क्वेश्चन सर 6 करा दो सर, बाकी मत कराओ, ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 करा देते हैं। A, B, C. ये हमको दे रखा है ट्राइंगल, अब इसमें क्या है, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी गिवन, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ए बी ई ये वाला जो दे रखा है ना ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये गिवन है, तो जब ये दे रखा है तो पहले इसके हिसाब से क्या क्या चीजें इक्वल होंगी वो देखते हैं हम, तो पहला दूसरा क्या है ए बी, इसका पहला दूसरा क्या है ए सी, इट इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी सेमी कॉलन, दूसरा तीसरा बी ई, इसका दूसरा तीसरा सी डी, BE is equal to CD, इसका पहला तीसरा AE, इसका पहला तीसरा AD, ये इक्वल हो गए, फिर उसके बाद देखेंगे कि इनके corresponding angles वो भी इक्वल होने चाहिए, तो सबसे पहले ये वाला एंगल A, तो एंगल A को मैं क्या बोलूंगा, एंगल A को बीच में ले लेंगे तो BAE, इसी तरीके से पहली पोजीशन पर यहां पर भी एंगल A है तो इसको बोलेंगे एंगल CAD, इसी तरीके से दूसरी पोजीशन पर यहाँ पर बी है तो बी तो ऑलरेडी बीच में लिखा हुआ है तो उसको तो ऐसे ही लिख देंगे एंगल ए बी ई
यहां पर बीच में सी लिखा हुआ तो एंगल ए सी डी। फिर तीसरी पोजीशन पर क्या है यहां पर ई, तो इसको बीच में लिखेंगे एंगल ए ई बी। यहां तीसरी पोजीशन पर डी है तो इसको बीच में दे देंगे एंगल ए डी सी। ठीक है, तो ये हो गया, इसको लिख देंगे बाई सी पी सी टी। ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दे रखे हैं ना, इसलिए इसको सी पी सी टी लिखेंगे। तो ये सब चीजें मुझे गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं शो दैट ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। टू प्रूव ट्रायंगल ए डी ई, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। तो इसमें आप देखिएगा कि मुझे एक तो दे रखा है बी ए ई इज इक्वल टू सी ए डी, इससे तो कोई बात बनेगी नहीं। और हमें ए डी चाहिए और ए बी चाहिए। सर जो हमारे ए डी ई में और सर ए डी ई में और ए बी सी ट्रायंगल में बी ए सी और डी ए ई कॉमन एंगल नहीं लेंगे? एंगल तो कॉमन हो गया, एंगल कॉमन हो गया, फिर ना साइड्स का रेशियो लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जैसे ये गिवन है ना ऊपर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, इसको मैं बोल दूंगा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू वन। बीई इज इक्वल टू सी डी है तो इसको मैं बोल दूंगा बीई अपॉन सी डी इज इक्वल टू वन। ऐसे ही ए ई इज इक्वल टू ए डी है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू वन। पहले बता दीजिए इतना समझ में आ गया सबको कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें देखिएगा कि जैसे मेरे पास है ए ई अपॉन ए डी, मतलब ये तीनों बनके इक्वल है, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। जब देखिएगा कि मैं इसमें काम करता हूं, ए बी है और ए ई है, ए बी और ए ई, और एडी है और एडी के साथ में है इस। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये पहला वाला और आखिरी वाला इसको साथ में ले लेंगे। इससे क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। अब क्या करें, अब क्या करें, ए डी अपॉन ए सी आ सकता है। ठीक है, ए डी अपॉन ए सी आ जाएगा। अगर इसको इधर देखो, ए डी को मैं इधर ले आता हूँ और ए बी को नीचे ले आता हूँ, ये देखिए क्या हो गया, ए डी अपॉन ए सी, और इस ए डी को, इस ए डी को तो इधर ले आओ और इस ए बी को नीचे ले आओ। ऐसा किया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही तो है। तो ए डी को ऊपर ले आओ, ए डी अपॉन ए सी हो गया, और ए बी को नीचे ले आओ, ये क्या हो गया, ए ई अपॉन ए बी। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि ट्रायंगल ए डी ई का ए डी और ट्रायंगल, पूरा बड़ा ट्रायंगल ए बी सी का ए सी, ए डी अपॉन ए सी, और फिर ट्रायंगल ए डी ई का ए ई और पूरे बड़े ट्राइंगल का ए बी, ए ई अपॉन ए बी, ये दोनों इक्वल है। एक तो ये हो गया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं? यस सर। एंड एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये क्या हो गया, कॉमन एंगल।
मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, तो आप देखिए एक तरफ क्या हो गया कि AD अपॉन AC, ठीक है, इसकी एक साइड और बड़े वाले ट्रायंगल की एक साइड इसका रेशियो, दूसरा AE अपॉन AB और तीसरा क्या है कि इन साइड्स के रेशियो के बीच वाला एंगल, मतलब मैं साइड कौन से ले रहा हूं, अगर छोटी ट्रायंगल की बात करी जाए तो AD और AE, ठीक है, AD और AE, और बड़े ट्रायंगल की बात करी जाए तो AC और AB, AC और AB और एंगल दोनों ही केसेस में इनके बीच वाला एंगल है, तो क्या मैं इसको साइड एंगल साइड बोल सकता हूं, बताइए। हां जी सर, है ना। चलिए जी, तो मैं इसको इधर कर रहा हूं, अच्छा समझ में आ गया। यस सर। उदांश। हां जी सर। क्लियर है ना? बिल्कुल सर। ओके, ये हो जाएगा मेरे पास भाई, ऐसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भाई, ऐसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब आप ये देख लो कि एंगल तो चलिए इक्वल है ही, है ना, अब आप ये देख लीजिए कि मुझे इसमें ऊपर देखो एडी और एई, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए है ना कॉमन, तो कॉमन वाले को बीच में ले लो, तो इसको पलट दूंगा ये क्या बन जाएगा, डी ए ई, ट्रायंगल डी ए ई इज सिमिलर टू, इसी तरीके से यहां पर ए सी है और ए बी है, बीच में क्या ले लेंगे हम ए, तो इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा, सी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी, बताइए ये समझ में आया कि नहीं। यस सर। अच्छा, और इससे मुझे प्रूफ क्या करना था, ADE सर ये नहीं आया, अभी बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ, ADE और ABC ये तो खैर भी बता देंगे, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रही है, हमने कहा ABE और ACD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, यही दे रखा था ना सीक्वेंस, ABE और ACD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ADE और ABC को सिमिलर प्रूव करना है, ABE और ACD, AB upon AC is equal to B or BE is equal to CD or AE is equal to AD, ये तीनों के तीनों इक्वल हो गए, और अगर मैं हम BE को और CD को देता हूँ तो बात नहीं बनेगी, इन दोनों को लिख दिया तो हम कह सकते हैं यहाँ पर BB AD upon AC हो गया, excuse me sir, सर मतलब जो हमारा ए बी ई ट्रायंगल है और ए सी डी हमारे इक्वल थे, कॉन्ग्रुएंट थे, मतलब तो सर मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया और ए डी इज इक्वल्स टू ए ई ले लिया हमने, तो सर अगर हम ए बी अपॉन ए डी कर लें और इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई के रख लें तो फिर वो सिमिलैरिटी प्रूफ हो जाएगी क्या सर? मैंने AB और AC ये इक्वल दे रखा है ना, तो AD बिल्कुल सही, इसी चीज का मेरे को डाउट हो रहा था, क्लियर हो गया। देखिए अब सभी बच्चे ध्यान से सुनना, यहां तक तो समझ गए थे AD upon AC is equal to AE upon AB, yes sir, है ना, अब जरा देखिएगा जैसे ये AD upon AC है तो बिकॉज AC और AB दोनों इक्वल दे रखे हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं AC की जगह AB और AB की जगह AC लिख सकता हूँ, मैं इसको दोबारा लिखूंगा, अभी जैसे मान लीजिए हमने कहा AD अपॉन AC है
तो मैं इसको लिख सकता हूँ AD अपॉन AB, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो अभी आप समझ जाओगे। AD अपॉन AB और इसको लिख दिया AE अपॉन AC, ठीक है, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर वन, और यहां लिख देना बिकॉज AC इज इक्वल टू AB। ये तो समझ गया कि मैंने ये लिख सकता, मैं ये लिख सकता हूँ ना AB और AC। Yes, sir. Because, एक मिनट, ये नीचे का दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको सेट करता हूँ जरा कैमरा को देखिए। Yes, sir. अब दिख रहा है? Because AC is equal to AB. Yes, sir. ठीक है, अब मैंने ये करा क्यों है वो भी देखते हैं जरा, इसको भी हटाओ। अब देखिएगा कि इसके बीच वाला एंगल ले लेंगे तो क्या हो गया AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, और E के बीच वाला एंगल, तो इसको बोलेंगे एंगल DAE, इज इक्वल टू एंगल BAC। ये है कॉमन एंगल। तो अब मैं बोलूंगा बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड से ना बोलूंगा कि AD अपॉन AB है ना, तो आप ये देखिएगा कि जब हम इसको करते हैं ना सिमिलर, जब हम लिखते हैं तो हम सीक्वेंस क्या लिखते हैं वो देखिएगा, जैसे AD अपॉन AB है और AE अपॉन AC है, तो दोनों के हम न्यूमरेटर्स चेक करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप कहीं रफ में करके देख लेना, AD अपॉन AB, इसको मेन में करने की जरूरत नहीं है, साइड में रफ में कहीं कर देना, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर कंपेयर करो, यहाँ पर AE है, तो इसको आप ऐसा करिए कि ये जो दोनों में कॉमन देखो AD और AE, इन दोनों टर्म्स में हमारा कौन सा अल्फाबेट कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो मैं जो कॉमन वाला अल्फाबेट है उसको बीच में लिखूंगा, तो ये हो गया डी ए और ये हो गया ए ई, ताकि इसको मैं कंबाइन करके डी ए ई लिख सकूं। समझ गए आस्था? यस सर। जैसे ये ए बी है तो मैं इसको पलट कर बी ए लिखूंगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ए बी में और ए सी में कॉमन क्या है अल्फाबेट ए, तो मैं ए को बीच में रखूंगा, तो बी ए हो गया इधर और इधर ए सी हो गया, ताकि ये कंबाइन होकर बी ए सी बन जाए, ठीक। तो इसको कहीं साइड में रफ में कर लेना और फिर लिखिए भाई ऐसे या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये दोनों को कंबाइन करेंगे क्या बन जाएगा डी ए ई, ट्राइंगल डी ए ई इज सिमिलर टू, इनको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी। अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि आपको ये प्रूव करना है ADE is similar to ABC, तो आप देखो इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट अगर इंटरचेंज कर दें और इसका और पहला और दूसरा अल्फाबेट इंटरचेंज कर दें, तो ये ADE बन जाएगा, ये ABC बन जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ ट्राइंगल ADE is similar to ट्राइंगल ABC। अब हो गया ये प्रूव, बताइए समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. आप पार्ट क्लियर है? पार्ट क्लियर है? पार्ट अग्रवाल क्लियर है बेटा? तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सक्षम, देवशी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अनमोल क्लियर है ना? Yes, sir. इसके बाद आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तक ये हमने कर लिए थे, 7 और 8 अगर किसी को डाउट पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं 9th कराता हूँ। अगर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके क्लियर हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं 9th कराता हूँ। 9th करा दो, 9th करा दो, ठीक है, 9th पर आ जाओ सीधा, ठीक है। हां जी सर। हां जी बताइए, हो गए 7th और 8th? हां जी सर हो गए। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9th पर आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इन फिगर 6.39 एबीसी एंड एएनबी आर टू राइट ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एएनबी।
अच्छा एक चीज आप सभी बच्चों को बता दूं मैं कि कल संडे है लेकिन कल मैं क्लास लूंगा और परसों रक्षाबंधन है, मोस्ट प्रोबेबली मैं परसों भी क्लास लूंगा। संडे को और मंडे को दोनों दिन क्लास चलेगी लेकिन मैं ट्यूसडे का ऑफ रखूंगा, ठीक है। इस बार मैं कल और परसों मतलब संडे को भी क्लास लूंगा और रक्षाबंधन है मंडे को उस दिन भी लूंगा क्लास, लेकिन मैं ट्यूसडे का ऑफ रखूंगा क्योंकि ट्यूसडे को कुछ काम है मेरे को, मैं हूँ नहीं घर पर, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। सर आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है बीच बीच में। हो जाएगी बेटा अभी बीच में ना, वो कुछ नेटवर्क का इशू उधर आ रहा होगा तुम्हारी साइड, बीच बीच में हो जाता है कई बार, हो जाएगी ठीक। ABC, AE, T, M, P, ये ट्राइंगल ले रखा है। अब इसमें देखिएगा, देवशी ठीक हो गई है स्क्रीन, ठीक है? यस सर, अभी ठीक है। ठीक है। ABC और AMP ये दो राइट ट्राइंगल्स दे रखे हैं मेरे को, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी, एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी। तो जरा देखिएगा एबीसी और एएमपी की जब इसमें बात करेंगे तो देखिए ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एएमपी हम कहेंगे सबसे पहले ये ए तो दोनों में कॉमन आ ही रहा है, तो एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल क्या बोलेंगे एमएपी, ये हो गया कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला है ट्राइंगल एबीसी में एंगल एबीसी is equal to angle PMA या AMP बोल दो, वो एक ही बात है, दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल है, ये दो एंगल हो गए और दो एंगल ये हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्राइटेरिया सीक्वेंस देख लीजिए, इसमें एंगल ए है और इसमें एंगल बी है, तो पहले लिखो ए बाद में लिख लो बी, इसमें बीच में एंगल ए है इसमें बीच में एंगल एम है, तो यहाँ पर लिखो ए और बाद में लिख लो एम, तो यहाँ क्या बचा ए बी में क्या बचा सी बचा, तो सी को यहाँ लिख दो, और ए एम पी में क्या बचा पी, तो पी को बाद में लिख दो, बीच में सिमिलैरिटी का साइन, तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, यही चीज प्रूव कर गई थी। अच्छा समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये क्या पूछ रहे हैं हमसे,
सेकंड पार्ट में है कि मुझे प्रूव करना है सीए अपॉन बीए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एमपी. सेकंड पार्ट में टू प्रूव सीए अपॉन बीए बीए अपॉन बीए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एमपी. ठीक है, तो अब क्या करें, जैसे मैं ये प्रूव कर चुका हूं कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी, तो लिखिएगा सिंस वी हैव प्रूव इन पार्ट फर्स्ट दैट ट्रायंगल एबीसी is similar to triangle AMP. So corresponding sides का रेशो इक्वल होगा. तो देखिए AB upon AM, इसका पहला दूसरा AB, इसका पहला दूसरा AM. तो AB upon AM, इसका दूसरा तीसरा BC, इसका दूसरा तीसरा MP. तो BC upon MP, इसका पहला तीसरा AC, इसका पहला तीसरा AP. ये हो गया. मुझे जो प्रूव करना है उसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे ये भी चाहिए बीसी अपॉन एम पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एम पी. तो जी प्रूव हो गया है. तो ठीक है, तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, बीसी अपॉन एम पी इज इक्वल टू, ये जो ए सी है इसको पलट कर सी ए लिख दो, ये जो ए पी है इसको पलट कर पी ए लिख दो, तो सी ए अपॉन पी ए. बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी ए. एक्सक्यूज मी सर, सर ये वाला दोबारा समझा दो. दोबारा देखिए, हमने इसमें फर्स्ट पार्ट में करा था ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी, ये तो समझ में आ गया था. यस सर. है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, जब ये ट्रायंगल एबीसी और एएमपी सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा. इसका मतलब पहला दूसरा अल्फाबेट ये क्या है, एबी, और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट एएम. तो एबी अपॉन एएम इज इक्वल टू दूसरा तीसरा क्या है बीसी, दूसरा तीसरा क्या है एमपी, तो बीसी अपॉन एमपी. यस सर. पहला तीसरा क्या है एसी, और पहला तीसरा क्या है एपी, तो एसी अपॉन एपी. ये हो गया हमारे पास. तो ये जो हमारे पास तीनों इक्वल आ गए, तो अब मैं इसमें देखूंगा मुझे बस ये दो चाहिए. ऐसा क्यों, क्योंकि मैं ये देखूंगा कि मुझे प्रूव क्या करना था, सीए अपॉन पीए. तो ये मुझे दिखाई दे रहा है एसी अपॉन एपी को पलट कर लिख दूंगा, तो एसी को मैं सीए लिख सकता हूँ. यस सर. पीए लिख सकता हूँ, एक ही बात होती है. और बीसी अपॉन एपी तो मुझे एज इट इज मिल गया. तो बस जब ये तीन रेशो इक्वल है तो मुझे तो ये दो ही रेशो चाहिए, ये दो रेशो निकाल के लिख दिया मैंने. यस सर. समझ गए? यस सर, आगे समझ. ठीक है जी, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC and triangle FEG are similar, show that ये तीन चीजें आपसे पूछी हैं ना. तो figure नहीं दे रखी है, जो इन्होंने condition दी है उस condition के हिसाब से figure मुझे खुद ही draw करनी पड़ेगी. तो जरा देखते हैं क्या दिया है. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF. तो दो ट्राइंगल हैं एंगल एसीबी और एंगल ईजीएफ, तो ये ना अलग अलग हैं ट्राइंगल्स, तो अलग अलग बना लेते हैं एसीबी और ईजीएफ को. मैं यहां पर ले रहा हूं इस तरह, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में एबीसी और एफईजी ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स ले लेंगे, एबीसी और एफईजी जो सिमिलर इन्होंने ले रखे हैं, वही दो ट्राइंगल्स मैंने एक तो ले लिया एबीसी, ए बी सी एक ट्राइंगल ले लिया, और दूसरा ले रहे हैं एफईजी.
ई जी, ये दो ट्राइंगल्स हो गए अलग अलग, इन दोनों को सिमिलर इन्होंने दे रखा है कि ये दोनों सिमिलर है। फिर इन्होंने बोला सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी डी, तो ए सी डी का बाइसेक्टर है सी डी, तो एंगल ए सी बी इस एंगल का बाइसेक्टर जो है, जो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है बराबर बराबर, वो हो गया सी डी। एक तो ये और जी एच वो है एंगल ई जी एफ का बाइसेक्टर, एंगल ई जी एफ का बाइसेक्टर है जी एच। जी एच ये हो गया, ठीक है। अब जो हमें इतना दे रखा है और इन्होंने बोला इसमें डी एंड एच लाइन ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईएफजी, ए बी एंड एफ ई, ठीक है, शो दैट। अब देखिएगा इतना मेरे को दे दिया, तो इसमें ना हम ये बोलेंगे डिस्टेंस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, देयरफोर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी मतलब ये वाला जो एंगल है ये तीसरी पोजीशन पर लाई कर रहा है, ऐसे जी वाला जो एंगल है ये भी तीसरी पोजीशन पर लाई कर रहा है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, ये दोनों एंगल इक्वल है, इन दोनों एंगल को मान लो आप एक्स के बराबर, इज इक्वल टू एक्स से, बल्कि एक्स मत बोलो, इन दोनों एंगल्स को आप बोल दीजिए टू एक्स। टू एक्स बोलने से मुझे क्या फायदा हो जाएगा, ये पूरा एंगल टू एक्स है तो ये इसका बाइसेक्टर है, तो आधा एक्स हो गया और आधा एक्स हो गया, ऐसे ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, जब इसको टू एक्स माना है तो इसका मतलब ये पूरा एंगल भी टू एक्स, तो आधा ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया। मेरी बात समझ में आ गई आपको, मैंने 2x तो लिया इसको, yes, sir. Sir. Yes, sir. तो x/2 x/2 लेना पड़ता तो मैं उससे बचना चाह रहा था, इस वजह से मैंने 2x ले लिया। अब क्या देखिएगा, अब नेक्स्ट क्या करना है इसमें, ये बोल रहे हैं शो दैट फर्स्ट है टू प्रूव cd upon gh is equal to ac upon fg, CD upon GH is equal to AC upon FG, ये चीज प्रूव कर दी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, CD एक तो CD चाहिए, CD मतलब ये वाली साइड और GH ये वाली, ठीक है, उसके अलावा मुझे चाहिए AC और मुझे चाहिए FG, ये है, ठीक है। तो ये साइड्स का रेशियो इक्वल है, एंगल इक्वल है और ये जो है FH, FH GH कैसे करेंगे, इसी बार FG तो आ जाएगा PD और GH, बताओ जी क्या लगता है इसमें लॉजिक, देखिए अब मैं ये कहूंगा कि यहां पर ये चीज मुझे प्रूव कर दिया, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल सी ए डी, इन ट्राइंगल सी ए डी एंड ट्राइंगल जी एफ एच, एंड ट्राइंगल जी एफ एच, मैं ये दो ट्राइंगल ले लूंगा। अब इसमें मैं कहूंगा कि एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल एच
जी एफ एंगल एच जी एफ दोनों ही एंगल इक्वल है एक्स के बराबर है दोनों, एक तो ये हो गया। दूसरा हम ये कहेंगे कि ये वाला एंगल एंगल ए और एंगल एफ ये भी इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ए बी सी और एफ ई जी ए सिमिलर दे रखे हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पर एंगल ए है, इसकी फर्स्ट पोजीशन पर एंगल एफ है, तो एंगल ए भी इक्वल टू एंगल एफ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंगल डी ए सी, बताइए समझ गए मेरी बात आप? यस सर जी सर। आप ये देखिए दोनों छोटे ट्राइंगल है सी ए डी और जी एफ एच, ये दोनों ट्राइंगल हमारे बाई डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन कौन सा लेंगे, सी ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल जी एफ एच, ये दोनों सिमिलर हो गए। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो इक्वल होगा, वो कैसे? देखिए पहला दूसरा सी ए, इसका पहला दूसरा जी एफ, इसका दूसरा तीसरा ए डी, इसका दूसरा तीसरा एफ एच, इसका पहला तीसरा सी डी और इसका पहला तीसरा जी एच। और मुझे क्या क्या प्रूव करना था, सी डी और जी एच चाहिए था, चलिए सी डी और जी एच तो मिल गया, और ए सी और एफ जी चाहिए था, तो सी ए को ए सी लिख सकता हूँ और जी एफ को एफ जी लिख सकता हूँ, मुझे इन दोनों से मतलब है। हालांकि ये तीनों चीज बराबर है पर मुझे कोई दो चाहिए तो मैं दो निकाल दूंगा जो मुझे प्रूव करने के लिए इन्होंने बोला है। is equal to CD upon GH. बताइए बेटा क्लियर है? Yes sir. ठीक है? Yes sir. Okay, first part तो ये हो गया, second part है triangle DCB is similar to triangle HGE. To prove triangle DCB, triangle DCB is similar to triangle HGE. इसमें आप देखिए कि angle DCB is equal to angle HGE. क्योंकि दोनों भी x के बराबर है, देखो एंगल डी सी बी ये वाला एंगल और एंगल एच जी ई ये वाला एंगल दोनों x के बराबर है, तो ये हो गया। दूसरा ये वाला एंगल b और ये वाला एंगल e, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, तो b आ रहा है बीच में और e भी आ रहा है बीच में, ठीक। तो एंगल b और एंगल e ये दोनों इक्वल होंगे, तो मैं लिखूंगा एंगल DBC angle DBC is equal to angle HEG. और रीजन में लिखिए since triangle DBC is similar to triangle FEG. Given. समझ गए? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो भाई डबल ए सिमिलैरिटी
क्राइटेरिया ट्राइंगल डीसीडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एचजीई। ये प्रूव हो गया, ठीक है। फिर देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं टू प्रूव ट्राइंगल बीसीए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एचजीएफ। ट्राइंगल बीसीए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एचजीएफ, इसमें लिखिएगा एज we have proved in part first that triangle CAD is similar to triangle GFH। ये मैं first part में ये चीज prove कर चुका हूँ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका DCA बनाना है। DCA तो कैसे बनेगा, आप यहाँ पर D को पहली position पर ले आओ, D को first position पर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा DCA। ऐसे ही इस H को फर्स्ट पोजीशन पर ले आओ तो क्या क्या हो जाएगा HGF। समझ गए कि नहीं, मतलब अगर सीक्वेंस इंटरचेंज करना है तो सेम पैटर्न पर करेंगे। इस ये को एज इट इज लिखा रहे हैं तो बस D को इनसे पहले बिठा दो उठाकर, तो ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू GFH, ये ऐसे लिखा हुआ है तो H को इससे पहले बिठा दो तो ट्राइंगल HGF। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? हां जी सर। यस सर। Yes, sir. तो था ये। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक फिगर दे रखी है, फिगर 6.40। इस फिगर के हिसाब से करना है मेरे को, तो पहले तो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ इसकी। मैं इस तरफ ही कर रहा हूँ उसको, देखिए जी अगला क्वेश्चन। इसमें फिगर 6.40 को पहले तो फिगर बनाएंगे, देखिए ये फिगर दे रखी है हमको कि E is a point on side CD produced of an isosceles triangle ABC। ABC एक isosceles triangle दे रखा है, AB is equal to AC। Triangle ABC is isosceles with AB is equal to AC। ये जो AB side है और AC side है equal दे रखी है, और जब AB AC के equal है तो it implies that angle ABC is equal to angle ACB। जो isosceles triangle होता है उनकी जो equal sides होती है उनके सामने वाले angle इसका ये सामने वाले angles भी equal होते हैं। तो एक तो ये चीज given है मेरे को, दूसरा दे रखा है AD is perpendicular on BC, AD is perpendicular on BC, तीसरा दे रखा है EF is perpendicular on AC, EF is perpendicular on AC, और इसके अलावा ये बोल रहे हैं प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF।
triangle ABD is similar to triangle ECF. ABD मतलब ये वाला triangle और ECF ये दोनों के दोनों triangle similar prove कर रहे हैं. हो गए proof? जो दोनों ट्राइंगल सिंगल प्रूव कर रहे हैं उनको लिखिएगा पहले. ये है इन ट्राइंगल एबीडी, पहले लिखेंगे आप ऐसे इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल ईसीएफ. इसमें हम ये कहेंगे कि एंगल एबीडी ABD is equal to angle ECF. ये वाला एंगल क्यों? क्योंकि बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, because AB is equal to AC. It implies that angle ABC is equal to angle ACB. ये रीजन लिख देना यहाँ पर. AB is equal to AC ये गिवन था. तो एक ट्राइंगल में जब साइड्स इक्वल होती हैं तो उन साइड्स के अपोजिट वाले जो एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं. याद रखिएगा एक ट्राइंगल में, ये नहीं कि अलग अलग ट्राइंगल्स में आप बोल दें इस चीज को कि अलग अलग ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल है तो उसके एंगल इक्वल. ठीक, एक तो ये हो गया. उसके बाद अब हम बोलेंगे कि एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल ईसीएफ. Angle ADB is equal to angle EFC. दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं. ये भी गिवन है. तो भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. अरे समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं? यस सर. यस सर. अच्छा एबीडी. हाँ बताइए, क्लियर है सर? एंगल एबीडी और ट्राइंगल ईसीएफ हो गए. ठीक है. और कल आपकी क्लास होगी सेम टाइम पर. और आप लोग जो हैं करिए, आगे के पांच क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक. जो नहीं आएगा समझ में वो पूछना मेरे से. ठीक है, नेक्स्ट कल स्टार्ट कराता हूँ मैं आगे. सर एक्सटेंड रुक जाओ, मैं भी नोट कर रहा हूँ. हाँ हाँ रुकाओ, मैं रुकाओ.